हेलो एवरीवन, टुडे विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी इसको सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या होगा, -3,0 को क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करो। अभी तक क्वेश्चन दिया था, हम आंसर लिख रहे थे रोस्टर फॉर्म में। तो सिंपल है, सेट बिल्डर फॉर्म का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, वो हमेशा उससे ही स्टार्ट करना है, हर सब में वैसे ही स्टार्ट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है -3,0, ये राउंड ब्रैकेट, ये भी राउंड ब्रैकेट है। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, लेट से इसको सेट को नाम दे दो ए, कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट, हर सम में एक्स सच दैट लिखना ही, एक्स और ये सिंबल का मतलब सच दैट की रीड करें, क्योंकि एक्स सच दैट। अभी यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ये रियल नंबर होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, और यहाँ पे लास्ट चीज जो -3, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, मतलब लेस देन एक्स लेस देन 0। ओके, सिंपल, खाली इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होता, जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होता, इक्वल टू साइन आ जाता। ओके, बस राउंड ब्रैकेट है तो सेम सेम ही कॉपी करना है, और ये हमेशा हर एक में सेम ही रहेगा, हर सम में। वैसे सिमिलर देखो, नेक्स्ट सम देख लो, 6,12 है। इफ इट इज 6,12 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है दोनों में। ओके, अब दोनों में स्क्वायर, पहले फॉर्मेट क्या है, कोई भी सेट का नाम दे दो, कर्ली ब्रैकेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या करना है, ये से राउंड ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्या करेंगे, 6 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन, और 12 में भी स्क्वायर ब्रैकेट है तो 12 स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे इक्वल टू साइन और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज। सिंपल, आई होप इसमें कुछ ज्यादा डाउट जैसा कुछ होगा नहीं, खाली फॉर्मेट का ध्यान देना है, सिंपल सेम कॉपी करना है और इसे लिख देना है, राइट। वैसे ही देखो यहाँ पे 6,12 है। अभी थर्ड क्वेश्चन में सिक्स, फिर से फॉर्मेट क्या होगा, सर कोई भी नाम दे दो, सी, फॉर्मेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर क्या करना है, ये नंबर खाली कॉपी, सिक्स के ऊपर क्या है, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट मतलब ये सिंबल रहेगा, एक्स लेस देन 12 पे स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू साइन, इक्वल टू मतलब 12 भी इंक्लूड होने वाला है। ओके, एंड दिस इज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, सिंपल सा सवाल है। फोर्थ में क्या होगा, डी, अब यहाँ पे फिर से एलिमेंट ऐसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, -23 पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो -23 स्क्वायर ब्रैकेट मतलब इंक्लूड करना है, एक्स लेस देन 5 पे राउंड ब्रैकेट है तो एक्सक्लूड करना है, मतलब इक्वल टू मत डालो, एंड दैट इज आवर आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, राइट। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। और यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल ए है 1,2, ओके, बी है लेट्स से 2,3, ओके। यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं, ऐसा सेट, यूनिवर्सल सेट यू से सिंबल से डिफाइन होता है, एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट ए और बी के हो और एक्स्ट्रा हो गए तो भी चलेंगे। तो वी कैन से यू ऐसा होगा 1,2,3,4, ओके। इफ यू ऑब्जर्व ए के भी एलिमेंट इसमें है, बी के भी एलिमेंट्स है, तो यूनिवर्सल सेट इज व्हाट, इट विल कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, पहले वाले का जो मैंने बोला, सेट ऑफ, इसमें तो डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख सकते हो, प्लीज सेट बिल्डर फॉर्म में तो कुछ बोला नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट विल बी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स में राइट एंगल भी आ जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका यूनिवर्सल क्या होगा, सारे ट्राइंगल्स, ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल। सिमिलर सेकंड का भी सेम ही आंसर होगा, सेकंड में सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी आंसर आएगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ओके, दोनों का यूनिवर्सल सेट सेम ही होगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो, इसमें दी ए 1,1,3,5, बी 2,4,6 है और सी है 0,2,4,6,8। ओके, अब वी हैव टू चेक व्हाट, इसमें से चार क्वेश्चन है। ओके, तो ए बी सी का यूनिवर्सल सेट कौन होगा, क्या फर्स्ट क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट है, क्या 1,2,3,5,6 ये फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी और सी लाई कर रहा है, चेक करो, 0, ओके, है 1,
है बिकॉज वी वॉन्ट 1 3 5, क्या 1 3 5 आ रहा है भाई? 1 3 5 ए का सेट तो आ गया राइट, बी का क्या है 2 4 6, 2 4 6 ओके, और सी का क्या है 0 2 4। इफ यू ऑब्जर्व सी का 8 मिसिंग है यहाँ पे, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ, वी कैन से ऑफ दिस एलिमेंट इज राइट नॉट अ सबसेट, सो इस एलिमेंट का नाम दे सकते हो यूनिवर्सल सेट करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू ऑब्जर्व, फर्स्ट क्वेश्चन सी इज नॉट अ, इज नॉट सबसेट ऑफ यू, इसका नाम दे दो डी, नाम दे दो कुछ भी नाम दे दो राइट, नॉट अ सबसेट, इतना है सी इज नॉट अ सबसेट लिख दो स्टेटमेंट तो भी चलेगा, सी इज नॉट अ, नॉट अ सबसेट राइट। अब वैसे क्वेश्चन नंबर टू, ये तो ऑलरेडी एम्प्टी सेट है, सेकंड नंबर ए बी एंड सी इज नॉट अ सबसेट, सबसेट मतलब उसके एलिमेंट्स है ही नहीं उसके अंदर, ए तो बी, सेकंड तो एम्प्टी है। अगर थर्ड चेक करेंगे, थर्ड में हम क्या, हमें क्या चेक करना है, ए है 1 3 5, हाँ ए 1 3 5 है राइट, बी क्या है 2 4 6, क्या 2 4 6 इसमें है, 2 4 और 6 भी है राइट, और सी क्या है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। इफ यू ऑब्जर्व ए बी और सी के तीनों तीनों के सारे एलिमेंट इसमें है, सो वी कैन से ए बी एंड सी इज सबसेट, therefore it is universal set, it is universal set for abc, universal set for a b and c। fourth question, now again check ke a 1 3 5 hai isme, ha 2 4 6 hai right hai, aur last mein 0 2 4 6 8 hai, इसमें ऑब्जर्व करो 2 4 6 8 है बट जीरो मिसिंग है, जीरो मिसिंग है, देयरफॉर सी इज नॉट अ सबसेट, सी इज नॉट अ सबसेट, देयरफॉर इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। ओके तो सिंपल चीज है, आई होप यूनिवर्सल सेट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, थैंक यू।